इन दिस सीरीज वी विल कवर रेकमेंडेड चार्ट, ठीक है, जो इंसर्ट टैब में देखोगे आप तो वहाँ पे अवेलेबल है. एज यू नो पैंडेमिक इन प्लेस, कोविड-19, राइट, जैसे कि महामारी कहते हैं हम उसे, राइट. अब ये जो कुछ डैशबोर्ड है मैंने बनाया हुआ है, पर्टिकुलर लोकेशन वाइज कंटेंट है मेरे पास ये कंटेंट, ठीक है. एंड देन ये कुछ चार्ट मैंने बनाया है. अब एक ग्राफ कैसे बनाएंगे, विद दी हेल्प ऑफ इंसर्ट में जो पिवोट टेबल है, पिवोट चार्ट है, एंड देन रेकमेंडेड चार्ट है, विद दी हेल्प ऑफ दोज ऑप्शन. सो जैसे कि आपको पता है, पहले ही मैंने पिवोट टेबल ऑप्शन पहले कवर कर रखा है. अभी डेटा मैंने पुल किया है दोस्तों यहाँ से, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, यहाँ से डेटा रॉ डंप मैंने उठाया है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, ठीक है. उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहिए तो आपके हिसाब से आप कवर अप कर लेना, ठीक है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, व्हाट आई विल डू, फर्स्ट मैं करूंगा इसे अनफिल्टर करके, ये डेटा पूरा जो है मेरे पास इसे मैं कॉपी करके नेक्स्ट शीट में ले लूँगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मैंने चार्ट कैसे बनाया और हम इसे विजुअलाइज कैसे कर सकेंगे, ठीक है. इंसर्ट में देखोगे आप दोस्तों तो प्योर टेबल, रेकमेंडेड प्योर टेबल ये मैंने पहले कवर कर रखा है. अब यहाँ पे रेकमेंडेड चार्ट, प्योर चार्ट, ये सब चीज़ें, एंड देन 3D मैप, ठीक है. ये डेटा को कैसे विजुअलाइज करेंगे हम, परफेक्ट, एज पर दी आवर रिक्वायरमेंट. इसे मैं कॉपी करके नेक्स्ट टैब में ले रहा हूँ, ताकि हम इजी वे में काम कर सके इस चीज़ के ऊपर. कॉपी करने के बाद मुझे जो रिक्वायर्ड फील्ड है मैं वही डेटा सेट्स की फील्ड रखूंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो मुझे. यहाँ पे मैं जैसे कि LDFF हटा के, मतलब फिल्टर जो था मेरे पास इस फील्ड में, फिल्टर हटा दे रहा हूँ मैं. और रॉ सेटअप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डंप है मेरे पास. एंड देन इसको क्लियर कर रहा हूँ कंट्रोल माइनस क्लिक करके. एंड देन ये कुछ कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, एशिया, कुछ कॉन्टिनेंट है मेरे पास, मेरे हिसाब से मैं चूज़ कर रहा हूँ कॉन्टिनेंट. एंड देन दिज आर दी के कोविड-19 केसेस पर समथिंग समथिंग अमाउंट, राइट. एंड देन डेटा लेने के बाद में मैं जा रहा हूँ प्योर टेबल. दोस्तों अगर आप रेकमेंडेड चार्ट जब यूज़ करोगे तो आपको आइदर आपका डेटा टेबल में चाहिए, या फिर उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या फिर प्योर टेबल में, तो नहीं तो आपको एरर कुछ इस तरह से दे देगा, ठीक है. तो मेरा डेटा कुछ टेबल फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसलिए उसे पहले प्योर टेबल यूज़ करूँगा, ठीक है. एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कुछ डेटा मुझे यहाँ पे प्योर टेबल चाहिए, राइट. तो थोड़ा सा कर्सर राइट साइड में लेता हूँ, एंड देन ये कुछ केसेस एंड कंटेनमेंट जो है, ठीक है, कॉन्टिनेंट, सॉरी, वो कॉन्टिनेंट को ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे. उम्मीद है दोस्तों आप सेफ हो फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ये महामारी बढ़े जा रही है, राइट. अभी ये सब चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ वन बाय वन. अभी आपको पता नहीं होगा ये सब फील्ड कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों, तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना रखी है, आप चाहिए तो उसे जाके रेफर कर सकते हो. यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर देता हूँ, ताकि इजी वे में मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ कि एग्जैक्टली ये डेटा किस चीज़ का है. एंड दिस, ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, देन एशिया, एंड देन दिस पर्टिकुलर यूरोप, ओशियन, ये सब डेटा मैंने दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, WHO की वेबसाइट है, कोई रेफरेंस वेबसाइट है, वहाँ से मैंने उठाई है. तो इसमें देर इज अ नो प्रेडिक्शन इन इट, ठीक है. शायद से डेटा गलत भी हो, बट आपको मुझे सिखाना है इस चीज़ को, इसलिए मैंने ये सब ऐड कर रखी है, ठीक है. यहाँ पे अगर वापस मैं प्योर टेबल में कुछ नाम देता हूँ इस पर्टिकुलर टेबल को, ताकि मैं इजी वे में इसे कैच कर पाऊँ, ठीक है. चार्ट करके बोल देता हूँ उसे. सिलेक्ट करने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ इंसर्ट में. अगर आप देखोगे दोस्तों तो मैं इंसर्ट में ये सब चीज़ें ऐड करूँगा एंटिटी वाइज. अभी कैसे करना है हमें वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, करेक्ट. इसे क्लोज कर देता हूँ, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इंसर्ट में क्लिक किया, देन रेकमेंडेड चार्ट. यहाँ पे देखो दोस्तों तो आपको बहुत सारे चार्ट, ढेर सारे चार्ट्स है आपके पास, आपको आपके हिसाब से यूज़ करना है जो आपको ईजी लगे, ठीक है. मैंने ये उठाया. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं राइट क्लिक मार के जो ऑब्जर्व्ड जो डेटा ज़्यादा ले रहा हो, राइट, तो उसे मैं राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, ताकि मेरा चार्ट थोड़ा बड़ा लगे, राइट. तो शो कहेगा यहाँ से, इसे भी हाइड कर देता हूँ, आई डोंट रिक्वायर डैट एज ऑफ नाउ. तो यहाँ से मैं डेटा चार्ट टाइटल ऐड करके कुछ टाइटल ऐड कर देता हूँ, आप आपके हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से देख लेना. आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू कैन क्रिएट ए चार्ट बेसिक, ठीक है, यहाँ पे एक्सेल में.
होने के बाद मैं कुछ डेटा लेबल्स ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं डेटा लेबल्स चेक कर सकूँ। अगर आप देखोगे दोस्तों तो कुछ डेटा बराबर से दिख नहीं रहा है हमें, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस समय पहले तो बैकग्राउंड इसका हटा देता हूँ, ठीक है, तो ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए पूरा। एंड देन इसको भी मैं राइट क्लिक मार के हाइड कर देता हूँ, जरूरत नहीं फिलहाल मेरे को उसे, ठीक है। ये खाली मैं शो कर रहा हूँ ये ब्लू एंड देन येलो ताकि लोकेशन मुझे शो हो किस तरह इसकी कॉन्टिनेंट में ये आ रहा है, राइट। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फिल्टर में, राइट, जो मैं फिल्टर यूज होता है लाइक स्लाइसर, उसे हम कहते हैं स्लाइसर। इंसर्ट में स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ ताकि अगर मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मैं वो स्लाइसर मुझे ऑटोमेटिकली क्लिक करे। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने डेटा के बाहर क्लिक किया हुआ है, राइट, तब वो स्लाइसर मुझे दिखने रहता, बट देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं शो करेगा। बट अगर आप टेबल के अंदर क्लिक करके एंड देन इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो आपको ये स्लाइसर का ऑप्शन शो करेगा। करने के बाद आपको जो फील्ड चाहिए वही ऐड करना ताकि वो आपको दिखा सके वो पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आप यहाँ पे जाने के बाद ऊपर कॉलम में इसे 4, 5, 6 जो नंबर रेंज आपको उसमें ऐड कर सकते हो, बट आई विल पुट 2, ठीक है, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ये मैं थोड़ा सा इसे मैनेज करके फिलहाल रख रहा हूँ मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे मैं 2, 3, 4 मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं घटा भी सकता हूँ मेरे हिसाब से, जो टेबल्स चाहिए हो बटन चाहिए बटन के हिसाब से, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि चार्ट मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा मैसी है, अब मुझे खाली दो ही पर्टिकुलर कंटेंट का देखना है, दो ही कंटेंट का देखना है, तो दो कंटेंट देखने के लिए मैं क्या करूँगा, खाली वही दो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट सिलेक्ट करूंगा ताकि उसका मुझे डिफरेंस विजुअलाइज हो, ठीक है। अब मैं अफ्रीका एंड एशिया देख कर रहा हूँ तो दोनों में से डिफरेंस देखो केसेस कितने ज़्यादा है कितने नहीं है, राइट। सो ये कुछ डिफरेंस है दोस्तों स्लाइसर का एंड देन रिकमेंडेड चार्ट का। रिकमेंडेड चार्ट में आप चार्ट चेंज भी कर सकते हो, अगेन कंप्लीट अपॉन यू, आप कैसे यूज करना चाहते हो या फिर उसको विजुअलाइज करना चाहते हो पर्टिकुलर चीज़ों को। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मतलब ये चीज़ें जस्ट हमें प्रैक्टिस पर्पज़ है, तो आप इस डेटा पर रिलाई ना करें, क्योंकि ये मैंने आज डेटा वीडियो बना रहा था, राइट, तो मेरे हिसाब से डेटा मे बी अपडेटेड हो, बट आप डेटा पर रिलाई मत करना, इज जस्ट ना रॉ डंप। अगेन किसी वेबसाइट से हम रेफर कर रहे हैं, करेक्ट। मैं देखो मैं इंसर्ट में जाके अगेन कोई और चार्ट ले रहा हूँ, करेक्ट, ये चार्ट ना यूज़ करें, ठीक है, फिलहाल के लिए। आप मैं बेसिक वे में बेसिक सा चार्ट यूज़ करता हूँ ताकि अगेन आपको समझा सको किस प्रकार मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो टोटल ओवरहेड जो है वो मुझे बॉटम लाइन में अगर आप देखोगे ऊपर 100% तो वो है, एंड देन केसेस ऑब्जर्व, कितने केसेस अब तक ऑब्जर्व कर रखी है हमने, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, करेक्ट। मैं क्लियर कर देता हूँ इसे, अगेन मैं कोई और चार्ट यूज़ कर लेता हूँ ताकि इजी वे में आप समझ पाओ कि हाँ ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट कंटेंट जो चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो क्या, तो ये सब मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगेन सब चीज़ें हाइड कर रहा हूँ एज पर योर कन्वीनियंट, ताकि आपको स्पेस मिले और चार्ट इजी वे में व्यू हो सके, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे यूरोप का इस प्रकार है, ये पर्टिकुलर स्लाइसेस बहुत ही बड़े मज़ेदार होते हैं दोस्तों, आपको डेटा डायनामिक वे में शो करने के लिए मज़ा आता है उस चीज़ में। सेम वे में दोस्तों आप ना 3D मैप भी कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज में बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा वो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बता दूँ। और ये प्योर चार्ट मैंने पहले कवर कर रखा है, ये तो आपको मैं उसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो। सो 3D मैप के लिए हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तो बने रहिए मेरे साथ डिस्कवर टैलेंट्स में।